आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस ने रेलवे कर्मचारी से हुई लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट का माल भी बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि 27 तारीख की रात को रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात सुनील कुमार अपनी ड्यूटी पूरी कर देर रात अपने घर वापस जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में उनके साथ दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद एसएसपी द्वारा गठित की गई टीमों में थाना सदर बाजार पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 28 तारीख की रात को दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें प्रेम सिंह पुत्र महिपाल सिंह, सुरेंद्र शर्मा पुत्र बाबूराम शामिल हैं, जिनके पास से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया है। अभी 26/27 की रात में एक रेलवे कर्मचारी से लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसका करीब 1100 रुपया छीन लिया था चाकू दिखा के, उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया था, कुछ कागज़ छीन लिए थे। उसमें उस घटना के दोनों बदमाश गिरफ्तार किया सदर बाजार पुलिस ने, और उसी के तलब की पूर्ति के लिए इन्होंने लूट की घटना करी थी। पड़ता से सदर बाजार पुलिस ने किया है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, 100% माल की बरामदगी किया है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने पूरी टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया। इस घटने के इतना जल्दी खुलासे के बारे में आप पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि सीसीटीवी फुटेज की वजह से संभव हुआ है। सहारनपुर के लिंक रोड स्थित मंगल नगर सत्संग भवन में राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, एसपी सिटी राजेश कुमार, पूर्व विधायक राजीव गुम्बर ने कोरोना काल में अपनी सेवा देने वाले सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, मीडिया कर्मियों को व अन्य संस्थाओं के लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में पार्षद पिंकी गुप्ता, खेमचंद सैनी, प्रीति ठगराल, अर्चित अग्रवाल सहित भारी संख्या में अन्य लोग भी उपस्थित रहे। और आज राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान समारोह मंगल नगर में आयोजित किया गया है। आपको सभी को मालूम ही है कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से आई थी और जो उसने हाल किया कि हम डेली देखते थे यहाँ पर मौतें, कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने, मीडिया ने, डॉक्टर्स ने, पुलिस ने और हमारे सफाई कर्मचारियों ने जिस प्रकार कार्य किया है, आज हमने उनके लिए ही एक एक कार्यक्रम आयोजित किया था, कोरोना योद्धा सम्मान समारोह, जिसमें हमने सभी का सम्मान किया। इसमें संस्थाओं को सम्मानित किया, हमने दूर दूर से हमारे पास संस्था आई, मुनफ्फा नगर की, नकुड़ की, गंगो की, कई जगह संस्था आई भी थी। कुछ प्रमुख समाजसेवी को सम्मानित किया है हमने, कुछ पार्षदों को सम्मानित किया है जिनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। प्रीति ठकराल है और मैं ITC मिशन सुनहरा कल फोर्स NGO में जॉब करती हूँ, एक एनिमेटर के पद पे हूँ। जी, आज क्या करेंगे? आज ये सभी कर्मचारी भाइयों के लिए, सभी बिटिया बंधुओं के लिए और जो भी हमारे सफाई नायक हैं उन सभी के लिए कोरोना योद्धा सम्मान समारोह रखा गया था यहाँ पर, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र सिंह जी थे और डॉक्टर कुणाल जैन स्वास्थ्य अधिकारी थे और ITC मिशन सुनहरा कल फोर्स NGO की पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी और कर्मचारियों को जो सम्मान दिया गया। सहारनपुर में सोमवार को जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व SSP डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के संस्थापक
भीष्म पितामह उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रांतीय कोऑर्डिनेटर तथा संघ के लिए आजीवन समर्पित श्रद्धेय ललन पांडे जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर कर्मचारियों ने उसको कर्मचारी दिवस के रूप में मनाने का काम किया, जिसको लेकर सहारनपुर के विकास भवन में भी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी व मंत्री दानी सिद्दीकी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ललन पांडे जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। आज हम विकास भवन सहारनपुर में सभी कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों के पुरोधा श्री ललन पांडे जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों के हित में बहुत कदम उठाए हैं और उन्हीं के कारण आज हम सम्मान के साथ जी रहे हैं और सम्मान के साथ अपना वेतन भत्ते आदि प्राप्त कर रहे हैं। माननीय ललन पांडे जी जब देश आज़ाद हुआ था तब से अब तक का इतिहास रहा है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है हमारे कर्मचारियों के हित में वो हमारे स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। वो नारायण दत्त तिवारी जो मुख्यमंत्री थे उस पीरियड से लेकर आज के पीरियड तक जो भी वेतन भत्ते और जो सम्मान कर्मचारियों को शिक्षकों को प्राप्त हुआ है वो सब ललन पांडे जी को ही, आदरणीय ललन पांडे जी को ही उनका श्रेय जाता है। वो जम्मू कश्मीर में 2 सिख युवतियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराए जाने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं में कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को पंजाबी महासंगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की। संगठन जो कश्मीर में हमारी समाज के जो सिख परिवार है उनकी जबरन बंदूक की नोक पर 2 युवतियों को उठाकर उनका जबरन निकाह और धर्मांतरण करवाया गया, हम उसके खिलाफ आए हैं। और मैं आज अपने संगठन के माध्यम से ये खुली चेतावनी देता हूँ कि अगर ये ऐसे कार्यक्रम चलते रहे, ये धर्म परिवर्तन के और हमारे सिख समाज पे और हमारे समाज पे जो जुल्म हो रहा है ये कि लव जिहाद के रूप में, हम उनको बख्शेंगे नहीं। हम समाज सारा एक है, सिख समाज हो पंजाबी समाज हो सब एक है, हम सब एक हैं और हम बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग ये है कि वो जो 2 युवतियों का अपहरण हुआ है उन्हें तुरंत बरामदगी करवाकर उनके परिवार को सपुर्द किया जाए। अगर ये नहीं करता तो हम समाज के साथ बैठ के इस विषय पे आगे भी अगर इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम आक्रामक कदम कठोर कदम उठाएगा। धन्यवाद। देवबंद के गांव बनेड़ा खास के प्रधान डॉक्टर राव शारिक को अखिल भारतीय पंचायत परिषद का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। आज उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष अनोज मदनुकी ने उनको नियुक्ति पत्र सौंपा और बधाई दी। देवबंद नगर पालिका सभागार में पीएमसी यूनिसेफ और कोऑर्डिनेटर देवबंद ब्लॉक डॉक्टर रामकिशन शर्मा ने कोविड-19 और कोविड वैक्सीनेशन में प्रति देवबंद क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए आज नगर पालिका स्टाफ व कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग ली, जिसमें सभी को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए समर्थन करने की अपील की गई। ये हमारा जो कार्यक्रम चलेगा तो जुलाई में चलेगा, संचारी रोग अभियान और दस्तक चलता है, ठीक है। दस्तक में हमारी जो आशाएं हैं यहाँ काम करती हैं वो घर घर जाकर लोगों को अवेयर करती हैं कि भाई कोई बुखार का पेशेंट हो तो हॉस्पिटल जाए, टेस्ट कराए और दवाई लाए। उसके साथ साथ जो मच्छर मलेरिया, मतलब मलेरिया और डेंगू जो मच्छरों के द्वारा प्रकोप फैलता है उसके बारे में भी साफ सफाई के लिए जागरूक। इसके साथ साथ अब हमारा जो कोविड टीकाकरण है जो अब हमारा क्लस्टर वाइज के रूप में हो रहा है, तो अभी आने वाले मंडे से जो है हमारा अर्बन क्षेत्र में भी शुरू हो जाएगा। उसी के लिए जो हमारी ये मीटिंग है जागरूकता अभियान फैलाने के लिए, जिससे कि सभी लोग जो है उसमें सहयोग दें। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ में सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।